चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, और ये चैप्टर आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ कि आपका जो 11th का यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 क्या पढ़ाता है पहले इसके बारे में समझो, फिर हम आएंगे इस चैप्टर पे। अगर आप यूनिट 1 में देखेंगे तो टोटल आपको इसमें 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के ही नाम से है, लिविंग वर्ल्ड। देन आप जब सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जब आप थर्ड चैप्टर में जाएंगे तो थर्ड चैप्टर का नाम आएगा आपका प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। एंड फोर्थ चैप्टर इज एनिमल किंगडम। तो ऐसे आपका 11th क्लास का, जहां से आप बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूनिट आपका इस तरीके से दिया हुआ है। हम इस समझते हैं कि इस यूनिट में क्यों आपको ये 4 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस पूरे एंटायर वर्ल्ड को देखेंगे, मैं एंटायर वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, लिविंग नॉन लिविंग सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस पूरे यूनिवर्स को देखेंगे, उस पे अपने अर्थ को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग सब है। फिर आप अगर, चूंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी मीन्स आप लिविंग्स की स्टडी कर रहे हैं, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, आप लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, तो आप जब बायोलॉजी में घुसेंगे यानी कि लिविंग्स में घुसेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा लिविंग की अपनी एक दुनिया है। तो आपको मन करेगा कि सबसे पहले लिविंग को समझें कि लिविंग क्या है। अर्गेटिव को पॉइंट, सबसे पहले आप सोचेंगे कि लिविंग क्या है, लिविंग को समझें, लिविंग के क्या क्या फीचर है। तो आपकी एनसीईआरटी पहले चैप्टर के पहले सेगमेंट में, क्या बोला, पहले चैप्टर के पहले सेगमेंट में ये बताती है कि लिविंग क्या होता है, लिविंग के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कौन सी सी प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग में मिलती है, लिविंग की कौन से यूनिक प्रॉपर्टीज है, लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे है, ये सारी बात वो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में करता है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में करता है। फिर वो आता है इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब आप अगर इस लिविंग वर्ल्ड को देखेंगे यार, एक बैक्टीरिया से लेके, यूनिसेलुलर से लेके एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन तक का दुनिया बना हुआ है, और इस बीच में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। तो आपको फिर पढ़ाना स्टार्ट करती है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी है, देखो भाई इतनी इतनी डाइवर्सिटी है। अब एक बार बताओ, अगर डाइवर्सिटी है, जहां तक आपको बता के रुक जाती है कौन, पहली चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, कि भाई लिविंग क्या होता है समझो, लिविंग के क्या फीचर होते हैं उसको समझो, देन लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है वो जानो। अब अगर आप ये सब कुछ जान गए तो ऑब्वियस बात है, अब आप अगर स्टडी करना चाहते हैं, चीजों को सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं, चीजों को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, चीजों को क्लासिफाई करें। लाइक दैट आप इसको एग्जाम्पल से समझो कि आपके घर में एक स्टोर रूम है, ठीक है, स्टोर रूम में बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं। जब आप स्टोर रूम में घुसे तो पहले स्टोर रूम के बारे में आप जाने कि व्हाट इज स्टोर रूम, स्टोर रूम में कोई भी सामान क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि इसकी अभी तुरंत नीड नहीं है, इसलिए रखा गया है कि फ्यूचर में जब काम पड़ेगा तो यहाँ से निकाल के ले रख लेंगे। तो आपने पहले पार्ट में वो समझा कि लिविंग क्या है, लिविंग का क्या फीचर है। देन आपने सेकंड पार्ट में क्या समझा कि बाप रे इसमें तो बहुत कुछ है, इसमें पंखा भी है, इसमें एसी भी रखा हुआ है, इसमें एक किचन का भी सामान रखा हुआ है, इसमें वॉशरूम का भी सामान रखा हुआ है। आप डाइवर्सिटी को देखे, स्टोर रूम के डाइवर्सिटी को देखे, अब आप क्या करोगे, उसको क्लासीफाई करोगे कि किचन का सारा सामान ये सब किचन का होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखें, इलेक्ट्रिसिटी का सामान तो वो ये होता है। अगर फर्नीचर का देखें तो वही एक ही स्टोर रूम में है। आप सबको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि आप क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए। कल को आपको स्टोर रूम से अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई सामान निकालना होगा, और अगर सामान क्लासीफाइड ना हो तो बताओ आपको चीजों को ढूंढने में, उसका यूज करने में आपको टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। इसी वजह से आप क्या करते हैं, चीजों को क्लासीफाई करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टडी को आसान बनाने के लिए, स्टडी को इंटरेस्टिंग और क्विक बनाने के लिए आप बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करेंगे सेकेंड चैप्टर में, जिसमें कि कई सारे साइंटिस्ट आएंगे और अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम देंगे, हम उसको समझाने वाले हैं। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो जो मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। क्या माना जाता है, 5 किंगडम, जो कि सर आरएच विटेकर ने दिया। बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आएंगे, नो डाउट हम वहां पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है क्लासिफिकेशन सिस्टम वो है क्या, आर एस विटेकर के द्वारा दी हुई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि 5 किंगडम आते हैं। सबसे पहले आता है मोनेरा, देन आता है प्रोटिस्टा, देन आता है माइकोटा जिसको हम फंजाई कहते हैं, मोनेरा,
प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, जिसमें प्लांट आते हैं, और एनिमिलिया, एनिमल आते हैं। तो आपको इस सेकेंड चैप्टर में, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर दिया अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से, और उसी चैप्टर में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा ये पढ़ा दिया जाता है। इसकी मेन मेन पार्ट वहीं पे पढ़ा दी जाती है। फिर आता है प्लेंटी, यानी कि प्लांट्स, उसका एक अलग एंटायर चैप्टर ही दे रखा है, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, प्लांट किंगडम। उसमें आपको एक्सक्लूसिव प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं। तो कहते हैं क्या फिर ये मोनेरा प्लांट, ये प्रोटिस्टा और ये माइकोटा प्लांट नहीं है? नहीं, वो आर एच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग प्लांट नहीं है, प्लांट केवल ये है जो थर्ड चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। फिर बताओ आर एच व्हिटेकर का लास्ट कौन सा किंगडम है? एनिमिलिया, यानी कि एनिमल्स। और एनिमल का फिर अलग एक चैप्टर बना दिया गया, किंगडम एनिमिलिया, यानी कि एनिमल किंगडम। तो मुझे बताओ क्या इसी चैप्टर, यहीं से चीजों को एक्सटेंड किया गया है? ओवरऑल आपको डायवर्सिटी पढ़ाया गया। अगर मैं इस चैप्टर का, इस यूनिट का नाम बोलूं, तो यूनिट का नाम है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के डायवर्सिटी को आपको समझाया गया है। आई थिंक आप यूनिट का मोटो समझ गए होंगे। अगर आप तुमको पूछे कि आप ये यूनिट पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो एक बार बताओ, आप इस लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा हो, आप इस लिविंग वर्ल्ड में आइसोलेशन में नहीं रह सकते। कोई भी स्पीशीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, दूसरे लिविंग के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको इकोलॉजी में भी पढ़ाया था। तो मुझे अगर बताओ, अगर आप इस एंटायर लिविंग वर्ल्ड में रहते हो, आपको दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझते हैं, तो आपको एंटायर लिविंग वर्ल्ड को जानना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आज बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, एंड दैट इज लिविंग वर्ल्ड। अब आते हैं हम मुद्दे पर, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर सबसे पहले एक सवाल से शुरू होगा, और क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंगनेस। कई सारे बच्चे तो लिविंग और लिविंगनेस को एक ही समझते हैं, तो ये एक नहीं है। लिविंग एक अलग चीज है, लिविंगनेस एक अलग चीज है। तो आपको क्या लगता है, आप तुक्का मारो, जवाब दो, क्या होता है लिविंग? व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? क्या लगता है? देख के मत बोल देना यार, ये इसमें थोड़ा ये ऑनलाइन में चक्कर होता है, अगर नोट सामने तो तुम देख के बोल देते हो। चलो समझो, लिविंग वो चीज है, लिविंग समझो कि कोई ऐसा बॉडी है। लिविंग इज एनी बॉडी विच हैव देयर ऑन स्ट्रक्चर एंड देयर ऑन फंक्शन। क्या बोला मैंने? लिविंग कोई ऐसा बॉडी है, कोई भी ऐसा बॉडी, मतलब केवल ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा बॉडी, लिविंग ऐसा बॉडी है जिसका खुद का स्ट्रक्चर होता है, ऑन ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑन फंक्शन, तो उसको लिविंग बोलते हैं। तो कहते हैं फिर लिविंगनेस क्या है? सुनना, अगर ये बॉडी, सुना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये बॉडी अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन को खुद मेंटेन कर रही है, क्या बोला मैंने? सेल्फ मेंटेनेंस, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन कर पा रही है, दिस प्रॉपर्टी, दिस एबिलिटी टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय देयर ओन, दिस प्रॉपर्टी और दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज लिविंगनेस, दिस इज कॉल्ड एज लिविंगनेस। तो मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी समय कौन करके बताओ, आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं? क्यों जिंदा है? क्यों जिंदा है? क्योंकि क्योंकि आपका मेरे खुद पास का, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर हाँ, मेटा क्योंकि आपका पता खुद का चल रहा स्ट्रक्चर और खुद का फंक्शन है। तो आप मुझे जल्दी से है। हाँ बताओ, आपके अंदर लिविंगनेस है? लिविंगनेस है? हाँ, लिविंगनेस है। है, क्योंकि आप अपने स्ट्रक्चर को खुद मेंटेन भी कर रहे हो और अपने फंक्शन को भी मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपके अंदर लिविंगनेस है। अब थोड़ा रिलेशन समझते हैं कि लिविंग और लिविंगनेस में क्या रिलेशन। तो मुझे एक बार बताओ, अगर कोई बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है और उसका मेंटेनेंस चल रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लिविंग तब तक लिविंग है जब तक लिविंगनेस है? हेलो, हाँ कह सकते हैं। लिविंग तब तक लिविंग है जब तक लिविंगनेस है, और अगर लिविंगनेस नहीं है तो लिविंग लिविंग नहीं रह पाएगा, लिविंग नॉन लिविंग उसी दिन से कहलाने लगेगा। हेलो, ये उसी दिन से नॉन लिविंग बन जाएगा। तो क्या नॉन लिविंग का खुद का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं है? हाँ है, नॉन लिविंग का भी खुद का स्ट्रक्चर और फंक्शन है, लेकिन फिर उसको हमने लिविंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके पास लिविंगनेस नहीं है। हेलो,
तो अब मुझे पेंटिंग तो जल्दी नहीं से बता, लिखती। हाँ तो मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मुझे लिविंग को डिफाइन करना हो अच्छे से, व्हाट इज लिविंग, तो क्या मैं लिविंग को ऐसा बोलूंगा एनी बॉडी व्हिच हैव देयर ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या ये लिविंग का डेफिनेशन है? नहीं है, नहीं है। तो लिविंग का क्या डेफिनेशन होगा? एनी बॉडी व्हिच हैव देयर ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एबिलिटी टू मेंटेन इट। हेलो, व्हिच हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट, अगर उस बॉडी के हाँ पास खुद को अपने स्ट्रक्चर फंक्शन करने को मेंटेन करने की एबिलिटी है, मतलब लिविंगनेस भी है, तभी वो लिविंग है। और जिस दिन लिविंगनेस गया उस दिन से वो लिविंग नहीं रहा, उस दिन से वो डेड कहलाया। दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि अगर कोई लिविंग है, उसका बॉडी है, उसका खुद का स्ट्रक्चर है, तो क्या हर स्ट्रक्चर का दुनिया में एक फंक्शन है? बिल्कुल। अभी मेरे हाथ में क्या है? पेन टाइप का पेन है। क्या इसका कोई फंक्शन है? बिल्कुल, इसी से मैं लिख रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। मेरे माउथ का फंक्शन है, साउंड निकाल रहा हूं मैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, हर स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन है। ये सेलफोन है, इसका बहुत सारा फंक्शन है। ये की है, इसका बहुत सारा फंक्शन है। अभी मैं लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हुए हैं, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक फंक्शन है, मतलब हर स्ट्रक्चर का अपना फंक्शन होता है। तो बताओ स्ट्रक्चर से फंक्शन है, ओके। तो मुझे बताओ हर स्ट्रक्चर का अपना फंक्शन है, अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या कभी फंक्शन होगा? बताओ जल्दी से। नहीं होगा। आवाज विदाउट स्ट्रक्चर कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता है, कट, विदाउट स्ट्रक्चर कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि हेलो, अगर कोई स्ट्रक्चर है और फंक्शन नहीं हो रहा है, हेलो, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रक्चर है और फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब लिविंगनेस में शायद कोई समस्या आ रही है। हेलो, अभी समझा था लिविंगनेस क्या? फिर से लिविंगनेस क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हर स्ट्रक्चर का अपना फंक्शन होता है, अगर हर स्ट्रक्चर अपना फंक्शन कर रहा है, मतलब लिविंगनेस अच्छे से चल रहा है, ओके, वो लिविंग है। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तो है मगर फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिविंगनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, लिविंगनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जिस दिन ऐसा हो गया कि स्ट्रक्चर अपने फंक्शन को शो करना बंद कर दिया, मतलब लिविंगनेस खत्म हो चुकी है और फंक्शन नहीं हो रहा है, और वो बॉडी जिसके पास केवल और केवल स्ट्रक्चर है वो फंक्शन कर नहीं पा रही है, वो अब लिविंग नहीं, नॉन लिविंग कहलाएगी। आई थिंक इतने में आपको समझ में आ गया होगा लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या भाई? लिविंग क्या होता है? लिविंग हैव देयर स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन। जो हम फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जब हम लिविंग की बात, मैंने क्या बोला? सेलफोन का भी फंक्शन है, मैंने क्या बोला? इसका भी फंक्शन है, हर इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन है। लेकिन भाई डेफिनेशन अगर हम लिविंग का देंगे तो लिविंग में फंक्शन में बोलेंगे वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन आर दोज फंक्शन व्हिच आर गोइंग ऑन इनसाइड द लिविंग बॉडी। वाइटल फंक्शन सेलफोन में नहीं है, वाइटल फंक्शन का मतलब वो होता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो इसका कोई वाइटल फंक्शन नहीं है, इसका कोई वाइटल फंक्शन नहीं है। मेरा वाइटल फंक्शन है, आपका वाइटल फंक्शन है, मैंगो ट्री का, पिजन का, उसका वाइटल फंक्शन है, लिविंग का वाइटल फंक्शन होता है। तो वाइटल फंक्शन क्या होता है, अभी उस पर चर्चा भी करेंगे, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सब मोबाइल तो ये रिप्रोडक्शन करेगा क्या? ये सेलफोन रिप्रोडक्शन करेगा क्या? यार 2 साल फोन हो गए, 1 से 2 नहीं हो पाया अभी तक, ये रिप्रोडक्शन करता तो 1 से 2 हो गया होता, जिस साइज की उसी साइज की, आज तक इसका ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब इसके अंदर कोई वाइटल फंक्शन नहीं है, वाइटल फंक्शन लिविंग के अंदर होता है। तो एनी बॉडी दैट हैव देयर लिविंग हैव देयर ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑन वाइटल फंक्शन एंड लिविंग हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट एंड दिस एबिलिटी और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लिविंग। बताओ बात क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, एवरी लिविंग हैव देयर ऑन स्ट्रक्चर, हर लिविंग का अपना स्ट्रक्चर है, हर लिविंग का, भाई साहब मैं बोल रहा हूं ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गन से ले लो और एक मल्टी सेलुलर एडवांस्ड ऑर्गन, ह्यूमन से ज्यादा एडवांस तो कोई नहीं है, वहां तक आ जाओ, हर किसी का अपना एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, ये मैंने प्लांट प्लांट किंगडम की बात की, या फिर आप एनिमल किंगडम में प्रोटोजुआ से लेके मेमेलिया तक आ जाना, लास्ट ह्यूमन तक वो ले लो, या फिर चलो प्लांट के पहले आ जाओ, अभी मैंने पहले बताया ना उधर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वो सब में भी आ जाओ, या फिर आपको और ऐसे ऑर्गेन कुछ बताना हो जिसमें वायरस और माइक्रो आ जाए, ये लिविंग भी होते हैं नॉन लिविंग भी होते हैं, इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है? तो इन सब के अंदर अपना एक खुद का स्ट्रक्चर है भाई साहब, इनका खुद का अपना स्ट्रक्चर है और इनके खुद के अपने वाइटल फंक्शन है, और ये वाइटल फंक्शन हर लिविंग में है, हर लिविंग में कॉमन है ये वाइटल फंक्शन। क्या है ये वाइटल फंक्शन? हम इसको एक एक करके कल जब पढ़ने भी वाले हैं,
दीज वाइटल फंक्शन आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस. हालांकि यह हर लिविंग में नहीं होता, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कल. तो दीज आर वाइटल फंक्शन. नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, आप ये तो समझ गए कि हर लिविंग का अपना स्ट्रक्चर होता है. माई क्वेश्चन इज दैट वट इज कॉमन इन स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग्स. हर लिविंग के पास अपना स्ट्रक्चर होता है, मैंने बोला ना यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर एडवांस ऑर्गेनिज्म तक, तो हर किसी का अपना स्ट्रक्चर है. इन सभी लिविंग्स के स्ट्रक्चर सबके पास है, स्ट्रक्चर में कॉमन क्या है मुझे ये बताओ, सोच समझ के. आपने सेल पढ़ा है तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या कॉमन है? सेल इटसेल्फ इज कॉमन, सेल ही खुद अपने आप में कॉमन है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, कोई भी हो जाए. अभी मैंने बात बोला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हम लोग खुद एक सेल है ना, मल्टीसेलुलर तक का तो वो भी सेल से बना है. सेल और सेल का प्रोटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म कहलाता है, वो हर लिविंग में है भाई साहब, हर लिविंग में है. अब मुझे बताओ सेल बना है मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म, अब मुझे बताओ प्रोटोप्लाज्म किस चीज से बना है? अब बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं तो वो बना है किस चीज से? बायोमोलिक्यूल से. ये सेल है, सेल में क्या है भाई साहब? प्रोटोप्लाज्म है. अब मुझे बताओ प्रोटोप्लाज्म किस चीज से बना है? मैंने बोला बायोमोलिक्यूल से बना है. अच्छा बताओ बायोमोलिक्यूल मेजरली क्या क्या है, जल्दी बताओ, सोच समझ के बताओ जल्दी से फटाफट. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, यही चार मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं बायोमोलिक्यूल के. इसी चीज से प्रोटोप्लाज्म बना होता है, और प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर बाउंड्री लगा दो सेल में, अपने तो सेल तैयार हो जाता है. ये तो सभी में है, सभी में है. हाँ वो अलग बात है, असेंबली सबका अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए सबका कॉम्प्लेक्सिटी सेल का अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर तो सब में यही है. वही कार्बोहाइड्रेट, वही प्रोटोप्लाज्म, वही फैटी एसिड, वही न्यूक्लिक एसिड. फिर किस बात का घमंड लेकर घूम रहे हो कि तुम एडवांस ऑर्गेनिज्म हो? वो तो लोअर ऑर्गेनिज्म के पास भी है. तुम घमंड कर रहे हो अरेंजमेंट का, तुम्हारा जो ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए तुम एडवांस हो. तो ये देखो मैंने क्या बोला कि माई क्वेश्चन इज दैट वट इज कॉमन इन स्ट्रक्चर ऑफ वट लिविंग्स. तो आंसर क्या है? सेल एंड प्रोटोप्लाज्म. सेल किससे से बना होता है भाई? ये सेल या प्रोटोप्लाज्म, ये बायो मॉलिक्यूल से बना होता है. बायो मॉलिक्यूल क्या? ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. और ये लिविंग कोई भी हो, बना इसी चीज का है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो. ये सारे टर्म हम आगे देखेंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर, हालांकि सब सेल में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, इसमें भी आएगा धीरे धीरे. तो अब मुझे सोच समझ के बताओ, अगर मैं लिविंग वर्ल्ड की बात करूं, एंटायर लिविंग वर्ल्ड की बात करूं, तो एंटायर लिविंग वर्ल्ड का सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल. सेल सेल से सब कुछ बना है. अगर मैं सेल से थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा? सेल से ऑर्गेनिज्म बना है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो. और वो ऑर्गेनिज्म जहां जिस एरिया में रहता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो लिविंग वर्ल्ड के पास थ्री मेजर यूनिट है. वन इज इटसेल्फ सेल, देन ऑर्गेनिज्म एंड इको सिस्टम. एक यूनिट है कि सेल से बना हुआ पूरा, सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म इको सिस्टम बन गया. दिस दीज आर थ्री यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड. लेकिन पता है नॉन लिविंग वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं. नॉन लिविंग वर्ल्ड में हर मशीन अपने आप में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. हर मशीन अपने आप में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. लेकिन लिविंग वर्ल्ड में तीन ही यूनिट है. पूरा लिविंग वर्ल्ड तीन ही चीजों से बना है, सेल, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम. सेल से बना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बना इकोसिस्टम, यही यही लिविंग वर्ल्ड है. लेकिन नॉन लिविंग वर्ल्ड में हर मशीन अपने आप में एक सिस्टम है, हर आ, 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 मशीन अपने आप में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फैन, पूरी नॉन लिविंग वर्ल्ड फैन से थोड़ी बनी, और फैन जिस चीज से बना है वो पूरी लिविंग वर्ल्ड उस चीज से थोड़ी बना हुआ है. ट्यूबलाइट, उसका अपना स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, ट्यूबलाइट जैसा फिर कुछ नहीं है. मोबाइल फोन, वो उसका अपना स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है. ऐसा कोई मटेरियल बताओ जिससे पूरा एंटायर नॉन लिविंग वर्ल्ड बना हो, ऐसा कुछ है क्या? जैसे सेल है लिविंग में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है. नॉन लिविंग वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं है. हर नॉन लिविंग वर्ल्ड अलग अलग चीजों से बना है, और हर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का अपना अलग अलग फंक्शन है. लेकिन लिविंग वर्ल्ड में तो वही है, सेल से बना है, और सेल का अपना फंक्शन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और क्या है? यही तो है. तो अब आपको समझ में आ गया कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग और नॉन लिविंग क्या है. जहां तक में कोई समस्या है तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट. नहीं है. अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड. जल्दी से बताओ, लिविंग वर्ल्ड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? सबसे छोटी इकाई सेल, देन ऑर्गेनिज्म,
और ऑर्गेन कहाँ रहता है वो क्या कहलाता है, इको सिस्टम। यही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग वर्ल्ड में। अच्छा नॉन लिविंग वर्ल्ड में बताओ, नॉन लिविंग वर्ल्ड में एवरी मशीन अपने आप में नहीं क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, वहां एवरी मशीन अपने आप में। अब मुझे डिफरेंस बताना है इस दो यूनिट में, डिफरेंस बताना है। तो मुझे जल्दी से बताओ, लिविंग वर्ल्ड के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, अल्टीमेटली सेल ही है ना, अल्टीमेटली अगर बात करें एक चूज करना हो तो सेल ही है। तो बताओ क्या वो प्रोटोप्लाज्म से बना है? बिल्कुल। लेकिन क्या नॉन लिविंग वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, जो कि हर हर मशीन अपने आप में स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, क्या वो प्रोटोप्लाज्म का बना है? बिल्कुल नहीं, वो प्रोटोप्लाज्म का नहीं बना है। मुझे बताओ, जो अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले वाइटल फंक्शन वर्ड यूज किया, वाइटल फंक्शन किसमें चलता होगा, लिविंग या नॉन लिविंग वर्ल्ड में? लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग यहाँ वाइटल फंक्शन है, इसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन है उसका पास वाइटल फंक्शन है, इसके पास अपना कोई वाइटल फंक्शन नहीं है, वाइटल फंक्शन नहीं। ठीक है, मतलब वो ग्रोथ रिप्रोडक्शन वो सब नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा। ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस पहला वाला, दूसरा हो गया फंक्शनल डिफरेंस, और तीसरा है रेगुलेटरी डिफरेंस। अब मुझे एक बार बताओ, लिविंग वर्ल्ड में एक लिमिट तक सिस्टम अपने आप को खुद रेगुलेट करता है या नहीं करता है? हाँ, करता करता है। है। और नॉन लिविंग वर्ल्ड में किसी भी कीमत पर नॉन लिविंग मशीन, नॉन लिविंग यूनिट अपने आप को मेंटेन नहीं करता है। मतलब लिविंग वर्ल्ड, लिविंग यूनिट इज सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड, व्हाइल नॉन लिविंग यूनिट इज नॉट सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार बताओ, जब हम इतने से थे, जब हम पैदा हुए थे, तब से लेके आज तक ये ग्रोथ हमारी मर्जी से हुआ है या हमारी मर्जी के बिना हुआ है? बिना मर्जी अपने हो रहा है। अपने हो रहा है, आपसे पूछ के हो नहीं रहा। अगर विश्वास नहीं हो तो आप आज मना कर लो, आप खुद को मना कर लो कि अब और ग्रोथ नहीं हो रहा है, मना कर लो एक बार, देख लेते हैं कितना मानता है आपकी बात। बॉडी नहीं मानेगा, इसका मतलब ये तो अपने मन से हो रहा है, जो खुद सेल्फ रेगुलेटेड है। चलो और लो, अगर आपको कल को छोटी मोटी इंजरी हो जाए, छोटी मोटी इंजरी कर रहा हूँ, बड़ी इंजरी होती है तो बॉडी उसको रिपेयर, एक लिमिट तक बोला था ना मैंने, लिमिट तक रेगुलेशन होता है। छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो बता, बॉडी खुद उसको रेगुलेट कर लेता है कि नहीं कर लेता है? बिल्कुल कर लेता है यार, सेल डिवीजन बढ़ा देता है, वहां पे सेल डिवीजन बढ़ा के सेल रिपेयर कर देता है। आपके बॉडी में डेली बहुत सारे सेल मर रहे हैं, तो डेली बहुत सारे सेल बन भी रहे हैं। तो ये डेली सेल का मरना, ब्लड सेल्स कई सारे मर रहे हैं ना डेली, डेली सेल का मरना और डेली नया सेल बनाना, ये आपसे पूछ के कर रहा है? जिस दिन WBC को मरना होता है तुमसे फोन करके पूछता है, हाँ नहीं मर लो आज, तुम बोलोगे नहीं आज नहीं कल मरना, तुम्हारा दिन आज नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा कुछ नए WBC को बनना है, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल से नए WBC को बनना है, तुमसे पूछ के बोलेगा आज पैदा हो लूं, केक मंगा लेना, हैप्पी बर्थडे बनाएंगे? तो ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड है। ये बहुत बड़ी बात है लिविंग वर्ल्ड की। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग वर्ल्ड की। नॉन लिविंग वर्ल्ड में हर चीज आपसे पूछ के ही होता है, मतलब वो सेल्फ सस्टेन्ड और सेल्फ रेगुलेटेड नहीं। अभी आप मेरा फोन खराब हो जाए, ये फोन क्या अपनी मर्जी से कभी ठीक होगा? चाहे मैं 1 साल वेट कर लूं या 1,000 साल वेट कर लूं, क्या ये फोन अपने मन से कभी ठीक होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है। एक भी ऐसा, चाहे आप कितना भी कॉस्टली, मेरे लैब में अभी 1 करोड़ की सामान है, चाहे वो कितना भी महंगा मशीन हो, 15 15 20 20 लाख का एक एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका एक छोटा पार्ट भी खराब होता है, चलो मैं बात करता हूँ छोटा पार्ट ही खराब होता है उसका, चाहे कितना भी महंगा हो जाए, क्या वो अपने मन से ठीक हो जाएगा? मतलब अरे भाई, उसके एक नट अगर खुल जाए ना, तो खुद से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए हमें वहां पे इलेक्ट्रिशियन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब नॉन लिविंग वर्ल्ड में एवरी यूनिट, एवरी मशीन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, उसको लिविंग की सपोर्ट चाहिए। जब वो फैन हो, ट्यूबलाइट हो, कोई मशीन हो, या कुछ भी हो, अपने मन से कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ लिविंग वर्ल्ड का। जैसे मैंने बॉडी में सेल्स का बनना मरना है, घाव का रिपेयर होना, एक और इकोसिस्टम से रिलेट करता हूँ। ठीक है, मान लो आपको मैंने बताया भी था, इकोसिस्टम में बताया था, मान लो कि इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिम का नंबर बढ़ गया, सपोज दैट इंसेक्ट का नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो मुझे बताया अगर इंसेक्ट का नंबर बढ़ गया तो प्रोड्यूसर, इंसेक्ट क्या है, हर्बीवोर,
तो वो क्या खाएंगे, ग्रासेस वगैरह, प्रोड्यूसर। तो बताओ प्रोड्यूसर का नंबर नहीं भरा लेकिन इंसेक्ट का नंबर भर गया, तो क्या ये इकोसिस्टम के लिए सुटेबल चीज है? नहीं है। कहाँ है सुटेबल? नहीं है ना। तो मुझे बताओ क्या जो इंसेक्ट का नंबर बढ़ा है तो वो एंटायर इकोसिस्टम जो लिविंग वर्ल्ड का एक क्या है, यूनिट है, तो एंटायर इकोसिस्टम आपसे फोन करके पूछेगा हाँ भाई इंसेक्ट का नंबर कैसे घटाऊं? और फिर आप उसको सजेशन दोगे? नहीं। तो वो क्या करेगा, उसको पता चल गया कि इंसेक्ट का नंबर बढ़ गया है तो क्या करेगा, ग्रास का नंबर बढ़ा देगा? नहीं। याद करो इकोसिस्टम में क्या रूल बताया था, कि उसका जो प्रीडेटर होगा उसका नंबर बढ़ा लेगा इकोसिस्टम। तो बताओ उसको इंसेक्ट को खाने वाले कौन होंगे? बर्ड, और बर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वो इकोसिस्टम बर्ड का नंबर बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ा लेगा, क्यों बढ़ा लेगा बर्ड का ही? क्योंकि इंसेक्ट का नंबर बढ़ गया तो इंसेक्ट इज द फूड फॉर बर्ड, तो बर्ड को तो मजे आ जाएंगे, वो तो चंगे हो जाएंगे। तो बर्ड का नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो बर्ड इंसेक्ट को ज्यादा फीड करेगी। अच्छा बताओ फिर तो आप बोलोगे सर एक को ठीक करने के चक्कर में दूसरा बढ़ गया। आप बोलोगे बर्ड ज्यादा इंसेक्ट खाएगी तो बर्ड का नंबर बढ़ जाएगा, तो बर्ड का नंबर कितना दिन बढ़ेगा भाई? इंसेक्ट का नंबर घटेगा तो फिर तो बर्ड भी घट जाएगा। हेलो इंसेक्ट, अगर नंबर बढ़ी थी बर्ड ने खाया तो बर्ड ने तो खा के उसको नॉर्मल कर दिया, अब तो बर्ड फिर मरेगी भूख से मरेगी, तो हो गया रेगुलेशन। तो बताओ ये जो सारा खेल हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल, ये आपसे पूछ के हुआ? इकोसिस्टम ने आपसे पूछ के किया? नहीं। दैट मींस एवरी यूनिट इन लिविंग वर्ल्ड, चाहे वो सेल हो या ऑर्गेनिज्म हो या इकोसिस्टम, मैं सेल का बात कर लेता हूँ, एक सेल के अंदर रोज प्रोटोप्लाज्म बनते हैं और रोज प्रोटोप्लाज्म खत्म होते हैं। तो एक सेल के अंदर आज कितना प्रोटोप्लाज्म बनाना है, कितना ऑर्गेनिक कंसिस्टेंट बनाना है, ये आपसे पूछ के होगा क्या? कतई नहीं होगा। आपने जो खाया है उससे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट सेल के पास पहुंचेगा और आपको बिना बताए वो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बनाएगा और बिना बताए डिस्ट्रॉय भी करेगा, आपको पूछ के नहीं होगा। यानी कि एवरी ग्रीटिंग लिविंग वर्ल्ड हैज सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, दैट इज द सेल, चाहे वो सेल हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो चाहे इकोसिस्टम। जबकि नॉन लिविंग वर्ल्ड के किसी भी यूनिट में देख लो, एवरी मशीन अपने आप में यूनिट है, वो सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटेड नहीं। तो बोलो आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हुए लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में? अब नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट मीटिंग में अभी जस्ट, क्योंकि तो मीटिंग की लिमिटेशन होती है 10-40 मिनट का, अभी नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। आप सोचेंगे क्या सिमिलैरिटी भी है? हाँ है, लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में सिमिलैरिटी भी है। तो अभी हम देखते हैं उसको अगले मीटिंग में। यहां तक कोई दिक्कत है या डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके, नहीं, यहाँ तो पढ़ ले। नहीं पहले पढ़ लेना, बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो नहीं ठीक है, रुको।